दोस्तों, जब भी आप कंप्यूटर चलाते हैं तो आपका विंडोज 10 पासवर्ड पूछता है, जैसे कि आप मेरी स्क्रीन पर देख रहे हैं। अगर आप जो ये पासवर्ड इसको हटाना चाहते हैं तो कैसे हटाते हैं, ये जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने जा रहा हूँ। मैं आपका दोस्त नरेंद्र सिंह और स्वागत है आपका हमारे चैनल नॉलेज ऑफ नरेंद्र पे। तो सबसे पहले मैं अपना यहाँ पर पासवर्ड टाइप कर लेता हूँ। तो देखिए दोस्तों, हम स्क्रीन पे लॉगिन हो चुके हैं। तो अगर आप पासवर्ड हटाना चाहते हैं तो जो आपका सर्च बॉक्स है वहाँ आप टाइप कीजिए नेट पीच, जो लिख रखा है ना ये आप टाइप कीजिए। तो सबसे पहले आप टाइप कर लीजिए एन, उस सबसे पहले आप टाइप कर लीजिए नेट NET, उसके बाद में PL, PL के बाद में WISET। जैसे आप टाइप करेंगे यहाँ एक सॉफ्टवेयर आ जाएगा, उस पर आप क्लिक कर लीजिए। जैसे आप क्लिक करेंगे तो सबसे पहले जो आप ये चेक बॉक्स देख रहे हैं इसको चेक कर लेना है। इसको जैसे चेक मतलब ये चेक हो रखा होगा तो इसको अनचेक कर लेना है। अनचेक हमने अप्लाई करेंगे तो ये पासवर्ड पूछेगा। जो आपका कंप्यूटर पासवर्ड है वो आप यहाँ पर टाइप कर लीजिए। जो मेरा जो कंप्यूटर पासवर्ड है मैं यहाँ पर टाइप कर लेता हूँ, और जो कन्फर्म पासवर्ड है वो भी उसमें भी मैं टाइप कर लेता हूँ। उसके बाद में ओके कर लेंगे, और ओके कर लेंगे, दो बार ओके कर लिया। और उसके बाद में अभी हम रीस्टार्ट करके देखेंगे कि पासपोर्ट हटा या नहीं हटा। तो मैं इसको रीस्टार्ट कर लेता हूँ। तो देखिए मैं अभी इसको रीस्टार्ट कर रहा हूँ, इसके बाद देखते हैं कि पासपोर्ट हटा या नहीं हटा। तो ये मेरा कंप्यूटर रीस्टार्ट हो रहा है। तो आप देख रहे हैं कि कंप्यूटर ने मेरा पासपोर्ट नहीं पूछा है, यानी पासपोर्ट हट चुका है। अगर आप भी आपके कंप्यूटर का या विंडोज 10 का पासपोर्ट हटाना चाहते हैं तो इस वीडियो में जो मैंने बताया आप वो नियम फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।